Hey guys, welcome back to the Bearded Chokra. I hope आपको मेरा Wednesday वाला वीडियो पसंद आया होगा. काफी ज्यादा मेहनत लगी है उसे एक वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए, उसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए. तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो मैं हेयर, स्किन एंड बियर्ड के ऊपर वीडियोस करता हूँ. मैं बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज करता हूँ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस भी करता हूँ. रिसेंटली मैंने इंटरव्यू सीरीज भी स्टार्ट करी है, तो अगर आपको ऐसे कॉन्टेंट पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो आज का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू है. इट्स अबाउट अ बियर्ड वैक्स. It's by a very well-known company, Manarden. So before starting the video, a huge shout-out to the people over at Manarden for making this video possible. तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ. ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा करीबन 550 रुपये में, और 550 रुपये में आपको 50 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा. अब इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, बॉक्स इज वेरी गुड, बट जो कंटेनर में वो आता है उसके अराउंड जो स्टिकर लगा हुआ है वो अगेन मिसप्लेस था. सो आई थिंक इफ यू आर चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर अ प्रोडक्ट, तो आई थिंक इतना अटेंशन टू डिटेल इज रिक्वायर्ड. तो Manarden, इट्स अ रिक्वेस्ट, जस्ट टेक अ लुक ओवर योर पैकेजिंग वंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. अब इसकी फ्रेग्रेंस में अगर आपको एक कंपैरिजन में बताऊं तो इट्स वेरी स्वीट अत्तर, एक क्लासिक स्वीट अत्तर की फ्रेग्रेंस आती है, उससे मिलता जुलता इसका फ्रेग्रेंस है. तो अगर आपको वैसा अगर फ्रेग्रेंस नहीं पसंद तो आपको ये प्रोडक्ट ज़रा भी पसंद नहीं आएगा. और एक चीज़, ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है कंसिस्टेंसी में, और जैसे ही आप उसे हाथों में रब करेंगे तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बन जाएगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वाटर इन ऑयल, इतना थिन कंसिस्टेंसी है उसका. बट ये सब हम और डिटेल में कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे, पहले हम जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ. अभी आपने अगर इंग्रेडिएंट्स अच्छे से देखे होंगे तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एक सेम काम के लिए डाले गए हैं इसके अंदर. तो जो कंपनी ने ट्राई की है इज टू मेक दिस प्रोडक्ट फील एज नेचुरल एज पॉसिबल ऑन योर स्किन बाय यूजिंग सो मेनी स्किन एमोलिएंट्स एंड स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स. प्लस इसके अंदर काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स भी डाले गए हैं जो एज अ फ्रेग्रेंस एजेंट भी काम करते हैं. तो इस प्रोडक्ट का कंक्लूजन क्या है? देखिए, फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे पसंद है अत्तर की फ्रेग्रेंस, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है. लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो फिर देन देर इज़ नो वर्किंग अराउंड, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. पैकेजिंग इज गुड, देर नो कंप्लेंट्स विद पैकेजिंग अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिकर. और जो प्राइस है इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है. हर जो बियर्ड वैक्स है अभी अवेलेबल मार्केट में वो 400 से 600 रुपए के बीच में ही उसकी प्राइसिंग होती है. सो दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स नॉट वेरी चीप एज वेल. अब बात करते हैं इसकी होल्ड की. अभी कंपनी ने क्या क्लेम किया है, मैक्सिमम होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड. लेकिन मैंने जब से ये प्रोडक्ट यूज किया है, काफी बार इसे लगाया है और लगाने के बाद मैं बाहर भी गया हूँ, सो इट हैज फेस द एलिमेंट्स. मैं एक चीज कह सकता हूँ कि इसकी होल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी एक मीडियम होल्ड कह सकते हैं. और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई हैव अ बिग बियर्ड, तो आई थिंक मेरे बियर्ड को ये होल्ड करने में थोड़ा सा वीक पड़ रहा है. बट मेरे हिसाब से ये एक शॉर्ट बियर्ड और एक मीडियम बियर्ड के लिए परफेक्ट होगा. इसकी होल्ड अराउंड 2 घंटे तक आपको लास्ट करेगी. तो ये जो बियर्ड वैक्स है ये आपके बियर्ड हेयर को बहुत अच्छे से कोट करता है. इट इज़ अ कम्प्लीट फिल्म फॉर्मिंग प्रोडक्ट. लेकिन ये तब तक अच्छा है जब तक आपने इसे सिर्फ बालों पर लगाया है. अगर आपने इसे स्किन के कांटेक्ट में लाया है तो चांसेस है कि आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है. तो मैं इसे लगा के सोने के लिए कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा. दूसरी जो एक चीज़ है, वॉशिंग कैपेबिलिटी. इसे आप गर्म पानी से आराम से निकाल सकते हैं अगर आपने कम मात्रा में इसे यूज़ किया है तो. अगर आपने बहुत ज़्यादा वैक्स लिया है तो आई डोंट थिंक ये सिर्फ पानी से निकलेगा, आपको फिर एक बियर्ड वॉश की ज़रूरत पड़ने वाली है. तो अभी मैं आपको ये प्रोडक्ट लगा के दिखाता हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसकी फिनिश कैसी है, इसकी होल्ड आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी आप देख रहे हैं मेरी जो बियर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ शेप है, वो कहाँ कहाँ से भी उग रही है एंड इट हैज़ नो डेफिनेशन. सो ऐसी बियर्ड को वैसे भी टेम करना और एक शेप में लाना और होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो मैं इस प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा बैश नहीं करूँगा.
तो ये बालों को थिकन बहुत अच्छे से करता है। एंड अगर आपकी एक वेल ट्रिम्ड बियर्ड है और शॉर्ट टू मीडियम लेंथ है आपकी बियर्ड की, तो ये प्रोडक्ट आपके बियर्ड को काफ़ी अच्छे से होल्ड करेगा। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस प्रोडक्ट के बारे में क्या है, इफ़ यू हैव अ लॉन्ग बियर्ड तो ये प्रोडक्ट इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर आपको ये फ्रेग्रेंस पर्टिकुलरली पसंद आती है, अत्तर जैसी फ्रेग्रेंस है, और 550 आप स्पेंड कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स आपको इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, तो दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आपको सूट नहीं कर रहा, तो द चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना हो तो मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। सो यस, आई हैव बीन स्पॉन्सर्ड फॉर दिस वीडियो, लेकिन दैट वोंट चेंज एनीथिंग। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ, चाहे वो फ्री का हो, चाहे मैंने खरीदा हो, चाहे वो पेड हो, रिव्यू हमेशा 100% ट्रू होगा एंड अनबायस्ड होगा।